प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य तौर पर जो सिवनी कुरई में घटित हुई उस घटना का हम पुरजोर निंदा करते हैं और उसमें जो निर्दोष आदिवासियों के ऊपर झूठे आरोप लगा करके उनकी हत्या की गई, पूरा प्रदेश, आदिवासी समाज और सर्व समाज इसका घोर निंदा करता है। और हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, ये गलत है। कानून को अगर कोई अपराधी है तो अपना काम करना चाहिए। जिस तरह से उनको पीट पीट करके हत्या की गई, ये पूरी तरह से सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है जिसका शिकार हमारा आदिवासी हुआ। लगता है मध्य प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, खत्म हो चुकी है, कानून नाम की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गुंडा राज चल रहा है और आप देख ही रहे हैं जिस तरह से ये सांप्रदायिक दंगे फैला करके, आपस में भाई भाई को लड़ा करके अब आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। चाहे आप वो नेमावर की बात कर लें, घटना की बात कर लें, चाहे नीमच की घटना की बात कर लें, या अन्य ऐसे आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के बात कर लें, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे मंडला जिले के माननीय सांसद महोदय और केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय का कल जो बयान आया वो काफ़ी निंदनीय है। उन्होंने ये कहा कि हम मृतक परिवार के परिजनों से मिले हैं, जानकारी में बात आई है कि वो उनसे मिले ही नहीं हैं, ये तो सिर्फ आदि उत्सव का निमंत्रण देने के लिए सिवनी पहुंचे हुए थे। जो उन परिवार के लोगों को दैनिक वेतन भोगी के पद पर रखने के लिए सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से मुझे कहा गया, जैसे बयान दिया और उनको 8 लाख रुपया जो मुआवजा की 50% राशि और 50% बाद में देने की बात कही, हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उस परिवार के व्यक्ति को नियमित नौकरी दी जाए और 1 करोड़ मुआवजा उस आदिवासी परिवार को दिया जाए। क्या 7 तारीख को एक तरफ आदिवासियों की हत्याएं भारतीय जनता पार्टी के अनुवांशिक संगठनों के द्वारा किया जा रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक नया इवेंट के रूप में आदिवासी उत्सव मना रही है, मुझे नहीं लगता कि आदिवासी और सर्व समाज में रोष है ये कार्यक्रम सफल हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।